डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स अब आपके शहर कांगड़ा में। कांगड़ा शहर में आजकल एक कंपनी या कोई एनजीओ जिसका नाम सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जा रहा है और ये घरों व दुकानों में जाकर स्वच्छ भारत व डिजिटल भारत के नाम पर लोगों से पैसे वसूली कर रही है, जो सरासर गलत है। ये बात प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष अजय वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के द्वारा घरों व दुकानों से सर्वे के नाम पर 60 रुपए की पर्ची काट रहे हैं और एक प्लेट लगेगी जिसमें आपका पूरा डाटा फीड किया जाएगा। अजय वर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसी जानकारी देना लोगों व दुकानदारों के हक में नहीं है। उन्होंने चिंता जताई है कि सरकार ने ये कैसे जालसाजी चलाई है। कोई भी आता है और सर्वे करके चला जाता है। अगर कोई सर्वे होता है तो सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, जिसका जनता को पता होना चाहिए। आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। कांगड़ा में एक कोई प्राइवेट कंपनी है या एनजीओ है, मैं नहीं जानता हूँ, जिसका नाम सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो कोई एनजीओ है या प्राइवेट कंपनी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जब वो कांगड़ा बाज़ार में अपना एक सर्वे बता रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं और लोगों को एक प्लेट जो उनको उसके ऊपर हाउस नंबर या शॉप नंबर कह लीजिए जिसको वो चिन्हित कर रहे हैं जी, और उसके साथ वो एक 60 रुपये की पर्ची भी काट रहे हैं। और जब मैंने कुछ व्यापारियों ने हमने मिलके उनसे पूछा कि भाई ये क्या है और आप क्या सर्वे कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है जी, तो उनके कोई मुलाज़म थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका कोई यहाँ इंचार्ज है टिक्कम सिंह शायद, और कहता जी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो हम इसका सर्वे कर रहे हैं। कहते जी हमें एक सर्वे एमसी कांगड़ा को देंगे। जब मैंने पूछा कि आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, जो उन्होंने मुझे कागज दिखाए या मैंने देखे जी। यहाँ पर सिर्फ उनकी कंपनी का नाम है सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और उन्होंने सरकार को या जो भी संबंधित विभाग थे उनको अपनी चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि कैसे ये सरकार में गोरख धंधे चले हुए हैं। कोई भी बंदा आता है सर्वे करता और चला जाता है, जबकि डायरेक्टर साहब ये लिख रहे हैं, डायरेक्टर साहब ने इनको बाई हैंड एक चिट्ठी दी हुई है और जिसमें डायरेक्टर साहब ने तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द मैटर एंड टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर द रूल्स गाइडलाइंस इन दिस बिहाफ। लेकिन अब यह लेटर का मतलब मुझे नहीं समझ ये क्या लेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई कार्य करती है तो उसकी एक नोटिफिकेशन होती है और वो विभाग अपने सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्टरेट को नोटिफाइड करता है और डायरेक्टरेट आगे अपनी जितनी भी ब्रांचेज हैं, कमेटीज हैं, जो विभाग है वो उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए आदेश देते हैं। ऐसे आदेश कहीं पर सरकार ने दिए नहीं दिए हैं इस चीज़ को, और ये गोलमोल तरीके से कुछ किया जा रहा है। मैं जांच की जाए कि ये कैसी एनजीओ है, कौन एनजीओ है, कौन सरकार है जो कभी कहते हैं ये लोग कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं, कभी कहते हैं हमें डायरेक्टर ने परमिशन दी है, कभी कहते हैं हमने कमेटी ने परमिशन दी है। मैं सर्वे के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, अगर सर्वे कराना है तो सरकार कराए, अपने जो उनके कमेटीज़ हैं, उनकी जो कॉरपोरेशन हैं उनके थ्रू कराएँ, जैसे हर सर्वे होता है। और सर्वे में ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही हैं कि जो शायद उनका अधिकार भी नहीं है, जो सरकार शायद किसी को भी अधिकार नहीं दी जाती है। सरकार वो उनके द्वारा पूछा जा रहा है, आप दुकान के मालिक हैं, आप दुकान के किराएदार हैं, आपके नौकर कितने हैं, यहाँ तक कि आपकी टर्नओवर कितनी है। तो ये लोगों का जो एक निजी चीज़ें होती हैं उनको भी सार्वजनिक किया जा रहा है। हमारे लोग शरीफ हैं
कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, जिनको समझ थी उन्होंने इनके साथ बहस की, अपने सर्वे में भाग भी नहीं लिया। तो इसका एक, अगर ये सरकार का सर्वे है तो सरकार को चाहिए कि इसकी सीधे तौर पर नोटिफिकेशन करे और लोकल कमेटियाँ अपने स्तर पर इसका सर्वे कराएं। और इससे पहले खुद म्यूनिसिपल कमेटी कांगड़ा द्वारा भी एक जो सबको हाउस नंबर शॉप नंबर दिए गए थे, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो सही है या ये सही है। मेरे हिसाब से तो जो कमेटी ने नंबर लगाए हैं वो सफिशेंट हैं और बढ़िया हैं और उनके डिजिटल हैं, उन्होंने खुदरा के लिखे हुए हैं, ये पेन से सिंपल लगा दे रहे हैं, ये हाउस नंबर चार दिन नहीं चलेगा और मिट जाएगा, और प्लेट में पीछे टेप लगाई हुई है, ये दो दिन भी नहीं चलेगी। तो ये मुझे इसके ऊपर शक की गुंजाइश है। तो इसका मैं सरकार से चाहूँगा कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उसको सामने करें, अदरवाइज ऐसी कंपनियों या एनजीओ पर रोक लगाई जाए। और एमसी कांगड़ा से भी कहूँगा कि वो इसकी पूर्ण जानकारी लेकर ही तब तक सर्वे पर रोक लगाएं। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।